So hey, yo, what's up guys, welcome back to another new episode of the Minecraft Survival Expensive. So भाई लोगों, बेसिकली मैंने आपसे कहा था मैं सरप्राइज रिवील करूंगा। और पहली बात तो भाई, अपन पिछली वीडियो याद दिलाते हैं भाई, पिछली वीडियो में अपन ने एक मारा था विदर, जो कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसने हमारा जो ये नेदरराइट का जो ये आर्मर होता है वो भी ये तोड़ता था, हमारा जो ये हेलमेट होता है भाई, फिर से हमने नया बनाया था। आपको तो पता होगा, याद होगा भाई आपको पिछली वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में अपन एक सरप्राइज रिवील करेंगे, एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करके पीटेंगे। तो भाई ये रहा भाई, पहले बता दूं, ये मेरे को मिला था, इसमें मैंने मेंडिंग लगाई, फिर डिसएन्चेंट कर दिया इसको रिपेयर करके डिसएन्चेंट कर दिया। वाओ, वो मेरे से गलती से हो गया, डिसएन्चेंट करना था मुझे अपने हेलमेट को, ये हो गया, मेरी एक मेंडिंग वेस्ट गई। वाओ, सो भाई नाउ द टाइम टू रिवील द आवर सरप्राइज, आर यू रेडी फॉर दिस? सच में रिवील कर दूं? लो भाई देखो अब सामने क्या है, आवर कैसल मैन बनाया है भाई। बहुत लगे बनाने में भाई, एक से चार दिन लग गए भाई से पूरा बनाने में भाई साहब। मैं दिखा देता हूँ भाई, पहले लाइटरा पहन लूँ। सारा सामान जो इसका था वो मैंने अपने चेस्ट आई मीन शल्कर बॉक्स में रख दिया है। चलते हैं भाई अब जल्दी से। और साकीना का, सो ये देखो भाई लोगों, ये है कुछ ऐसे, अंदर जाके दिखा देता हूँ भाई मैं कहाँ चल गया आपको। ये देखो क्या लग्जरी कासल है भाई अपना, इसी सरप्राइज की बात करा था भाई। थैंक यू फॉर द भाई, आपने इधर के इतने सारे लाइक करा दिए भाई मेरे। ये देखो भाई, टेक्नो गेमर्स भाई जैसे करे हैं मैंने, बिल्कुल वैसे सेम ऐसे टेस्ट, सेम तो नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत उनके जैसा ही है। चलो भाई अब भाई दे देता हूँ उसका टूर में भाई। भाई तीन चार दिन लगे पूरा इसे बनाने में, अभी भी और रह गया, वॉल बनानी है मुझे, डेकोरेशन और करनी है थोड़ी बहुत, और क्या बोलते हैं रूम्स बनाने, सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है, चेस्टिस रखने हैं, और डोर को इसको थोड़ा बड़ा करना है, और इनसे अटैच करना है पूरा भाई, बहुत काम है अभी तो थोड़ा सा। चलो भाई बहुत बकबक हो गई, अपन से कूटने चलते हैं भाई। कमेंट में ज़रूर बताना कासल कैसा लगा मेरा भाई। और भाई बता दूँ पहले ही, ये मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया कहीं से, और कहीं से मोड्स वोड्स करके स्पॉन नहीं करा है। पहले दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, कि भाई कुछ बंदों में चिल होती है ना कि नहीं भाई क्रिएटिव में जाके मोड यूज़ करेंगे, एडन्स डालेंगे। लो भाई देख लो, सर्वाइवल में हो भाई, आई एम ऑलवेज इन सर्वाइवल। और इसे हार्ड पे कर लेता हूँ, मज़ा आएगा, एंडर ड्रैगन को पीटो खाएंगे हार्ड। और हाँ देख लो, कोई चीट एक्टिवेटेड नहीं है भाई ये रहा। और भाई वैसे तो मुझे पता है कि वो वर्जन आ चुका है माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल 1.17 नो बेटा, बट भाई मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया, मैंने वो डाउनलोड करा उल्टा मेरा वर्ल्ड। भाई देखो अभी ब्लॉक हाइट कितनी है मेरी, यहाँ पे आपको 68 दिख रही है ब्लॉक हाइट, बीच में देखो ये पोजीशन दिख रही है ना आपको, ये पोजीशन दिख रही है, पोजीशन के ऊपर -80 ये कोऑर्डिनेट है, इसके बगल में 68 ये ब्लॉक हाइट है मेरी। जब मैंने उस वर्ल्ड में एंटर कराना इसको डाला, इस वर्ल्ड खेला भाई, ये ब्लॉक हाइट ऊपर चली गई है, यहाँ पे बादल तैर रहे हैं भाई, यूँ यहाँ पे बादल तैर रहे हैं भाई। और नीचे जहाँ मैं लास्ट टाइम रिसेव कर सेम गया ना, मैं कासल में पता है कहाँ रुका था, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने कासल के अंदर इस वाले रूम में रुका हुआ था, कासल के अंदर मैं इस रूम में यहाँ पे रुका हुआ था ऐसे, और यहाँ गेम सेव कर दी। फिर वो जब आया ना, मैंने वो ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड कर लिया लिंक के थ्रू, एक यूट्यूबर है भाई बगवील ब्रो, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, चैनल का लिंक क्या देना भाई, बगवील बंदे को जानते हैं भाई बगवील ब्रो को, वो तो भाई मोड्स माइनक्राफ्ट के मोड्स हो गए, माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल ओरिजिनल वर्जन हो गए, वो देने में तो मास्टर है भाई, उनको सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और भाई वो कोई प्रमोट नहीं है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए इसलिए बता रहा हूँ, वो तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने बताया। तो भाई आगे सुनो क्या हुआ, तो फिर मैं नीचे चला गया भाई केव में, पता नहीं भाई कैसे, और जब मैं ऊपर आया ना तो मेरी ब्लॉक हाइट पता कितनी थी, 138 ब्लॉक हाइट थी मेरी, और यहाँ पे बादल तैर रहे थे, यहाँ पे उसमें बादल तैर रहे थे, यहाँ बादल तैर रहे थे, बादल देखो इतनी ऊपर है ना,
यहाँ तैर रहे थे वो भाई, बेकार हो गया था। और जो मेरी सारी चेस्ट थी ना, चलो कोई नहीं, मेरी ब्लॉक हाइट बढ़ गई, मेरा वर्ल्ड का जो ना वो था सब ऊपर कर दिया। मेरे चेस्ट जो है डबल चेस्ट सिंगल चेस्ट में हुआ, इन सब में चार चेस्टों में से सारा सामान गायब, सारा ए टू जेड, एक चेस्ट में कोई भी सामान नहीं भाई सारा। तो फिर मतलब मैंने क्या करा, मेरे को ट्रिक पता था कैसे मेरे को अपना वर्ल्ड रिकवर करना है। मैंने क्या नया क्रिएट सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट, अब पुराने वाले सर्वाइवल वर्ल्ड के वो फाइल में क्या गेम्स में फोल्डर में जाके मोजैंग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, वहाँ पे डीबी होती है, पुराने वर्ल्ड की डीबी कॉपी करी, इसमें डाल दी, आ गया मैं वापस भाई, सामान सब वापस आ गया मेरा। वैसे ट्रिक बहुत अच्छी भाई डीबी अप्लाई करने की, अगर आप क्रिएटिव में भी हो गए ना और आपको सर्वाइवल में करना हो, नया वर्ल्ड सर्वाइवल क्रिएट कर लो, सेव कर दो, उसकी फ़ोटो देख के उसकी डीबी कॉपी उसमें कर दो, पुराने वाले वर्ल्ड की जितने भी रिसोर्सेज होंगे आ जाएगा आपके पास। लेकिन भाई मैंने ये सब नहीं किया, मुझे तब पता चला जब मेरे पास ये सब बीकन वीकन कासल जब मैं बना रहा था ना ये, उसके बाद मुझे ये सब पता चला डीबी वीबी के बारे में, नहीं तो मुझे कोई पता नहीं था भाई डीबी के बारे में कि ऐसा भी होता है कि नया वर्ल्ड क्रिएट कर लिया, पुराने रिसोर्सेज पुराने वर्ल्ड में क्रिएटिव वाली, और ऐसे करके डीबी कॉपी करके अपने अचीवमेंट भी पा लिया वो भी पा लिया भाई। ये तो एक बंदा यूट्यूबर उसने मुझे बताया था, आई मीन मैंने उसकी वीडियो देखी थी भाई, ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला है। जब मैं अपना कासल का बिल्ड चेक चालू कर रहा था ना, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे सफरिंग कर रहा था, मतलब रेफरिंग कर रहा था कि भाई कैसे बनाएं कासल, कैसे ये सब करें। और भाई ये कुछ मैं पोशंस बनाया था एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए, वैसे मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि भाई मैं तो सपोर्ट दूंगा भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब लेने की, लेकिन भाई फिर भी भाई ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते, पता है ना वेदर ने क्या हाल। अगर मुझे पहले से भी पता होता मैं फिर भी नहीं करता ये, बिकॉज भाई मैं ऑनेस्ट गाय, आई एम ऑनेस्ट गाय भाई, कौन नहीं भाई का गाय गाय जी यू वाई। चलो बहुत बकबक हो गई, अब चलते हैं पोर्टल में, पहले पोशंस बना लेता हूँ। स्ट्रेंथ का बन गया भाई, मैं बहुत देर से पोशन ही बनाया जा रहा हूँ, फालतू की चीज़ें वो रख लेते नहीं यार, ये तो चाहिए मुझे। हाँ एक और लीपिंग बनाना है मेरे को, नाइट विजन तो चाहिए नहीं यार मेरे को इसको भी, अरे यार इसको ड्रैगन ब्रीथ नहीं भाई ये नहीं चाहिए अभी, स्प्लैश नहीं, मेरे पास दो हो गए ना, दो ये हो जाएंगे एक ये हो जाएगा, तो इसको रखो ये तो फालतू है ना। चलो भाई नाउ अब आवर इन्वेंटरी इज फुल्ली खाली, चलो भाई ये स्पाइडर आई क्या कर दिए भाई मेरी इन्वेंटरी में, स्प्लिंटर स्टील भी क्या भाई, सॉरी भाई, अरे ये भी तो खाली होटल है ये नीचे भाई। चलो भाई बन गया, अब एक और बनाना मैं लीपिंग, अरे गलती से ड्रॉप कर दी वाट तो ये। और भाई ये सब करके मैं आपको सीधा एंड पोर्टल में मिलता हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बंदे देखते देखते हैं नहीं। और क्रिस्टल तो ये रहे भाई, इन क्रिस्टल को ड्यूप कर लेता हूँ यार, और बीकन मैंने यहाँ लगाया था भाई क्योंकि डिब्बा वाला डुप्लीकेट चीज़ें करने, और भाई साथ ही साथ में सारे आर्मर अपने रिपेयर कर लेता हूँ, टूल्स ही करने हैं भाई मेरे को तो। चलो भाई मिलता हूँ भाई एंड पोर्टल में सीधा। सो भाई लोगों जैसा कि आप देख सकते हो सारे दो पोशन बना लिए मैंने, दो स्टैंड पैन सब है भाई मेरे हाथ में, चलते हैं सीधा एंड पोर्टल भाई, वहीं मिलता हूँ अब वहीं सीधा एंड उसमें मिलेंगे एंड में, चलो भाई रिस्पॉन्ड कर देंगे। सो भाई लोगों देख लो भाई कैसी होती है, ये देखो भाई ये तो मेरा एंड पोर्टल है ना वहाँ का, मेरे को रूम नहीं मिल रहा वैसे अभी वो मैं ढूंढ लूँगा, ये देखो भाई कैसी होती है अब की केव्स, वाओ भाई क्या केव है यार, देख रहे हो भाई कॉपर ड्रिपस्टोन डायमंड, डायमंड की तो भाई अपने को जरूरत ही नहीं है, लश बुशेस ग्लो बुश ड्रिपस्टोन, और अपना वो देखो सामने वो वहाँ रखा हुआ है वो क्या नाम है क्रिस्टल एमएस्ट क्रिस्टल, हाँ सब ढूंढता हूँ मिलके रूम में आपको। तो भाई लोगों मैं अपने घर पे फिर से गया था बिकॉज मेरे को एंडरपॉल की कमी पड़ गई थी, और भाई मैंने फिर से बिकॉज मेरा गलती से वहाँ से एंडरपल टूट गई भाई, पता नहीं क्या हुआ एकदम से वहाँ पर गायब हो गई वो, तो भाई मेरे एंडरपल में फिर से घर लेने गया था इसलिए मैं ज़्यादा पर एंडरपल ले आया। और भाई जब मैं घर से वापस लेते जा रहा था देखो मेरे को क्या दिखा भाई, डेजर्ट में पो ये भाई डेजर्ट टेम्पल, चलो भाई मैं इसे लूट कर लेता हूँ, उसके बाद बच गया फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तोड़ देता हूँ। ओ वाह फेदर फॉलिंग भाई सैंड इज नॉट फॉर मी, सैडल ले लेते हैं
और इसमें देखते हैं, वाह एफिशिएंसी, इतने भी बुरी लूट नहीं है भाई। ओहो वाह भाई, वैसे गोल्ड चाहिए तो नहीं भाई, बट ले लेते हैं भाई, काम आ जाएगा। और भाई मैं एंड पोर्टल मिल तो गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे वो हो गया भाई, समझते हो ना, इसलिए मैं घर तक वापस जाना पड़ा मुझे अपने। ओहो गलती से बाहर भाई, घर क्यों लेके जा रहा है। चलो भाई लूटेड हो चुका है। ओहो ऊपर चलते हैं यार, क्या बीमारी है रे भाई इसकी, देखूं जरा भाई किधर था, भूल गया थोड़ा बहुत, वापिस पीछे। चलो भाई जाता हूँ मैं, मिलता हूँ। सो यार देखो मैं आता हूँ यहाँ, बट मुझे यार एक चीज़ बहुत बेहद लग रही है भाई, मैं तो पूरा पोर्टल एक्टिवेट कर रहा, पता नहीं क्या हो गया भाई, वर्जन की वजह से। चलो भाई फिर से कर दिया भाई, चलते हैं भाई वहाँ। सो ये गए एंड में भाई, वीडियो लंबी हो जाता भाई, मेरे को नहीं पता आपको देखनी पड़ेगी, पहले ही बता दे रहे हैं भाई। एक रिस्क लेते हैं, मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। वो भाई बच गया, साकी नाका मारूं इसकी। भाई एक काम करते हैं, एंडर ड्रैगन को ना रिस्पॉन कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ना अपन फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं 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 इलाइट्रा पहने रखता हूँ, ये तीसरी बार हो रहा है जब मैं ड्रैगन को मारने जा रहा हूँ। कहाँ गया ये ना भाई, पोर्टल में नहीं गिरना, वरना फिर से मैं अपने घर चले जाऊँगा, फिर से आना पड़ेगा भाई, दो चक्कर लग गए बार बार। अब देखो जैसे ही आएगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लीपिंग का पोर्शन, अरे तो मैं स्ट्रेंथ का भी पी लेता हूँ, और ना ब्लॉक हाथ में रखता हूँ, ठीक है हो रहा है। तो लो भाई वो स्पॉन हो रहा है। चलो भाई एक फोड़ दिया, बेटा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे यार इतनी मुश्किल से हुआ था भाई, बस भाई डर लगता है यहाँ एंड में। ठीक है पहले तो ये फोड़ देते हैं,
तीन बचे ना, चार चार बचे भाई। अरे यार साकी उड़ जा भाई, मर जाता अभी तो साकी ना का। अरे यार यार डर लग रहा है यार, रॉकेट भी कम है भाई। भाई पहली बार फट रही है मेरी ड्रैगन से। चलो भाई, तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने ये भी तोड़ दिया है। जल्दी से तोड़ने चलते हैं लास्ट वाला। इसे भी तोड़ देता हूँ। चलो भाई फाइनली सब हो चुका है। पीटना है जब वो नीचे आएगा। एक बार बस ही नीचे आ जाएगा ये। ओ भाई शिट, व्हाट द हेल यार, क्यों पीछे पड़ गए मैं। आगे 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 फिर से आया भाई, आया क्या भाई, जैसे ही आएगा ना। अरे यार कोतरिया कितनी बार मरता है रे बाबा यार, हर जगह पे ना एक एक ब्लॉक लगा देता हूँ और तू खत्म हो जाए। पीट जाएगा ये मेरे से बहुत बुरी तरह से। खत्म हो गया भाई, अभी जब नीचे आएगा ना खत्म है ये। आजा, कहाँ चला गया ब्रो, आया क्या। ओ इसने ब्रीथ फेंक दी, ब्रीथ फेंक दी। शिट 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 शिट, अरे शिट क्या हो गई। फाइनली आई किल द एंडर ड्रैगन। अब देखूंगा अभी भाई कितने प्रॉफिट किया है। ओ भाई साहब, चलो भाई मेरा राइटर भी रिपेयर हो जाएगा इसी बहाने। अच्छा यार इससे वैसे कितनी एक्सपीरियंस भाई, जब पहली बार अपन एंडर ड्रैगन को मारते ना, पहली बार फर्स्ट टाइम बिना रिस्पॉन करे तब ज़्यादा एक्सपी मिलती है अपन को। जब सेकंड टाइम मारा मैंने तो मेरे को ज़्यादा एक्सपी नहीं मिली यार। शिट, डोंट वरी यार। सो भाई इस वीडियो को देखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वे, स्टिक के रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। और भाई इस वीडियो को लाइक एम रख देते हैं 10। अगली बार लूँगा अपने कासल खतरनाक टूर और सब बना दूंगा मैं, वॉल सब जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास वॉल बना दूंगा कासल की। भाई ट्राई करूँगा बनाने की, पक्का नहीं कहता, लेकिन चेस्ट वेस्ट और ये सब रूम थ्रोन रोन तो ये सब बना ही दूंगा मैं और अच्छे से टूर दूंगा अपने कासल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वे, स्टिक के रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। लाइक एम रख देता हूँ 5। आई होप यू कंप्लीट द लाइक एम। बाय बाय यार।